हेलो फ्रेंड्स दिस इज कंगना प्रेमलानी फ्रॉम तक्षशिला इंग्लिश स्कूल टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोइट्री सेक्शन ऑफ लेसन वन ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स द टाइटल ऑफ आवर पोएम इज ए हाउस ए होम इस पोएम में पोइट हमें ये बता रहा है कि एक हाउस और एक होम के बीच में क्या डिफरेंस होता है अब आप बोलेंगे मैडम सुनने में तो दोनों वर्ड का मतलब तो एक ही होता है कि घर या मकान लेकिन उन दोनों के पीछे जो मतलब होता है जो डिफरेंस है बहुत ही क्लियर है जो मकान होता है वो ईंट और पत्थर का बना होता है लेकिन जो घर होता है उसमें रहने वाले लोगों की फीलिंग्स और इमोशन से बना होता है लेट सी द डिफरेंस इन द पोयम फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट इज ए हाउस एक मकान क्या होता है किसे कहते हैं मकान इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड जो मकान होता है वो ईंट और पत्थर का बना होता है और हाड़ लकड़ी का बना होता है उसमें लकड़ियाँ भी यूज़ की जाती है मकान बनाने में सम विंडो ग्लास और उसमें उसमें कांच की कुछ खिड़कियाँ होती हैं एंड परहैप्स ए यार्ड और शायद एक खुला आंगन होता है इट्स ईव्स एंड चिमनीज और उसमें घरों की मुंडेर होती है जो छत होता है उसकी मुंडेर होती है इट्स कॉल ईवस एंड चिमनीज धुएँ को बाहर निकालने के लिए चिमनी होती है एंड टाइल फ्लोर्स और फर्श पर टाइल्स लगी होती हैं एंड स्ट्रोको एंड रूफ एक छत होती है और दीवारों पे चूने या सीमेंट का प्लास्टर होता है इट्स कॉल्ड स्टोको एंड लॉट्स ऑफ डोर्स और बहुत सारे दरवाजे होते हैं इन सब से मिलके एक मकान बनता है सेकंड पैराग्राफ व्हाट इज ए होम एक घर क्या होता है मकान तो खड़ा कर दिया हमने लेकिन अब उसके घर कैसे बनाया जाता है लेट्स इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स जो घर होता है उसमें जो लोग रहते हैं उसमें फैमिली मेम्बर्स जो रहते हैं उनके आपसी प्रेम और स्नेहपूर्ण व्यवहार से घर बनता है जो कि एक दूसरे के लिए हमेशा फीलिंग्स शेयर करने को एक दूसरे का मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो भाई और बहन हो सकते हैं एंड फादर्स एंड मदर्स मम्मी पापा हो सकते हैं दादा दादी एवरी वेन जो भी हमारे साथ हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स रहते हैं इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग और उनके अनसेल्फिश एक्ट की जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता है वो सेल्फलेसली काम करते हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ अपने सुख हो दुख हो खुशी हो गम हो सब कुछ शेयर करते हैं एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज कैरिंग और एक दूसरे के प्रति वो कितना प्रेम रखते हैं कितना स्नेह रखते हैं वो जो शो भी करते हैं उनके फीलिंग्स और इमोशंस के साथ में सो so, एक छोटा सा डिफरेंस है वो है सिर्फ फीलिंग्स और इमोशंस का भाई मकान तो हम लोग खड़ा कर देते हैं लेकिन एग्जैक्टली वो घर बनता है लोगों से उसमें रहने वाले फैमिली मेम्बर से आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पोएम थैंक्स एवरीविन